भारत ने पहली बार अमेरिका और जापान के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की, आपसी सहयोग के मुद्दे पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय बातचीत में बोले मोदी, जापान अमेरिका और भारत मिलकर बनाते हैं जय, और जय का मतलब होता है सफलता। 12 साल के बाद दूसरी बार भारत की चीन और रूस के साथ त्रिपक्षीय बातचीत, पुतिन और शी जिनपिंग से मिले मोदी। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए आतंकवाद और कट्टरता बड़ी चुनौती, ब्रिक्स नेताओं से एकजुट होने की अपील। पीएम मोदी ने कहा आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़े दुनिया के लिए बड़ा खतरा, कहा काले धन पर लगाम लगाने के लिए साथ आए सभी देश। G20 सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी, कहा 2018 भारत चीन संबंधों के लिए सबसे अच्छा साल। पाकिस्तान से लौटकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा राहुल गांधी ने भेजा था पाकिस्तान, लौटने पर शाबाशी भी दी। रात में बयान से पलटे सिद्धू, कहा इमरान के व्यक्तिगत बुलावे पर गया पाक। सिद्धू ने कहा उनके कैप्टन राहुल गांधी, अमरिंदर सिंह को बताया सेना का कैप्टन, कहा राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर के भी कैप्टन है। भारत से बातचीत की गुगली पर आर्मी चीफ का पाकिस्तान को जवाब, कहा इस्लामिक स्टेट बन चुका पाकिस्तान, पहले बने सेकुलर फिर करेंगे बात। दिल्ली में देश भर से आए किसानों का प्रदर्शन, कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग, संसद तक निकाला मार्च। किसानों के संसद मार्च में जुटा विपक्ष, राहुल गांधी ने कहा सीएम बदलेंगे पीएम बदलेंगे लेकिन किसानों को दिलाकर रहेंगे हम। दिल्ली में किसानों के बीच सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी को बताया दुर्योधन, अमित शाह को कहा दुशासन, विपक्षी नेताओं को पांडवों से तुलना कर करारा जवाब दिया। राजस्थान में वोटिंग से पहले फिर चर्चा में वाड्रा लैंड डील, रॉबर्ट वाड्रा को लोन देने वाली कंपनी को टैक्स में छूट का खुलासा, वाड्रा पर सवाल टाल गए राहुल गांधी। वाड्रा पर हुए खुलासे के बाद अमित शाह ने पूछा वाड्रा को लेकर राहुल गांधी कब जवाब देंगे, वाड्रा ने कहा राजस्थान चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने फिर रची साजिश। राजस्थान में अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने के पास ना नेता है ना नीति और ना सिद्धांत। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान मनोज तिवारी का दावा 2 महीने में शुरू हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर के निर्माण पर आरएसएस पूरे देश में निकालेगी रथ यात्रा, आज दिल्ली से होगी शुरुआत। 133 रुपए कम हुए बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम, सब्सिडी वाले सिलेंडर गैस 6.5 रुपए हुई सस्ती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे काल भैरव के दरबार, परिवार के साथ पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण मिलने के बाद AIMIM ने की आरक्षण की मांग, कोर्ट जाने की बात कही। शिवसेना ने मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग का समर्थन किया, पिछड़ेपन के आधार पर 5% आरक्षण की मांग की। योगी आदित्यनाथ को राज्यपाल राम नाइक की नसीहत, कहा कैसे सभ्यता से रखें अपनी बात, वाजपेयी जी से सीखें, सीएम योगी के बजरंगबली वाले बयान पर विवाद हुआ है।